यदि जगह कम पड़े तो यहाँ भी भक्त बैठ सकते हैं स्टेज पे, हाँ यहाँ भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। और भी आ रहे हैं कोई भक्त? आ रहे हैं कोई? आ गए सब। हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? अभी तक है? गोदावरी के दर्शन अच्छे लगे आप सबको? गौड़ी मठ में वहीं प्रवचन करने का विचार था परंतु संभव नहीं हुआ, इसलिए यहीं करेंगे। और यहाँ वातानुकूलित वातावरण है, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री गोदावरी की जय, श्री कोवूरधाम की जय, श्री गौरंग महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। और भी भक्त आ रहे हैं क्या? और भक्त यदि आ रहे हैं तो यहाँ से थोड़े भक्त यहाँ ऊपर आ सकते हैं। और कितने भक्त हैं बाहर? अच्छा है, अच्छा ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurundina Taranam Vancha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindho Bhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Aradhyo Bhagavan Vrajeshatanayas Taddhama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Premapumartho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhor Matamidam Tatradara Naparaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Aaj subah hai pravachan theek se nahi ho paya aap sabko sunai nahi de pa raha tha to thodi bahut jo baatein subah ko humne kahi thi sankshep mein उनको मैं दोहराना चाहूँगा नदियों के महत्व की चर्चा हो रही थी नदियाँ इस पृथ्वी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं हम लोग जो नदियों के तट पे नहीं रहते हैं शायद हमें कल्पना नहीं है जब यहाँ नदी के तट पे रह रहे हैं तो इसका प्रभाव कितना अच्छा होता है ये एक ऐश्वर्य है कोई यदि गोदावरी गंगा यमुना जैसे नदियों के तट पे रहे वास्तव में वहाँ की जो वहाँ का जो वातावरण है वो प्राकृतिक सौंदर्य है जलवायु सब शुद्ध है हाँ आजकल हम लोग अशुद्ध बना रहे हैं वो दूसरी बात है साथ साथ खेती के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और मन को शांत करने वाला एक वातावरण होता है बहुत ही सात्विक और ऐसे भी यदि वो नदी पवित्र मानी जाए इसका कोई धार्मिक आध्यात्मिक महत्व हो तो और भी अच्छा तो यहाँ भारत पुण्य भूमि कहलाती है अनगिनत तीर्थ स्थानों से ये भूमि
भरा हुआ है। पवित्र पर्वत, नदियाँ, कुंड, सरोवर और तरह तरह के अन्य तीर्थ स्थान। नदियों में से जो पवित्र हैं वो सारे के सारे भारत में मिलते हैं, और भारत के आसपास में जैसे ब्रह्मपुत्र है या सिंधु है, जो आजकल के भारत में भले न हो परंतु फिर भी पवित्र माने जाते हैं, ऐतिहासिक हैं, शास्त्रों में उनका वर्णन है। जैसा कि सुबह बता रहे थे, सारे पवित्र नदियों में से 7 नदियों का विशेष उल्लेख है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। तब इस मंत्र का उच्चारण करके हमारे आचमन जल में हम इन 7 पवित्र नदियों के जल का आह्वान करते हैं, तो वो जल फिर पवित्र हो जाता है। और ऐसे हम मान सकते हैं कि हम ये 7 पवित्र नदियों के जल के मिश्रण से हमारी पूजा के कार्य कर रहे हैं। तो यदि किसी के पास गंगा जल, गोदावरी जल उपलब्ध न हो पूजा आदि के लिए, तो इस तरह से जल के शुद्धिकरण से, मंत्रोच्चारण से उस जल को पावन किया जा सकता है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत में है। गोदावरी और कावेरी ये दोनों दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नदियां हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये 2 हैं। और गोदावरी से हम देखते हैं कि भारत का विभाजन होता है दक्षिण और उत्तर में। पाठशाला में जब हम सब पढ़ते थे, हमने अवश्य भूगोल विषय में पढ़ा, पहाड़ कहाँ कहाँ हैं, कौन सी नदियाँ हैं, ये सब हमने अवश्य पढ़े हैं लेकिन भूल चुके हैं। लेकिन अभी पुनः याद करना अच्छा है। गंगा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से बहती है, आखिर समुद्र को कहाँ मिलती है, यमुना का उद्गम कहाँ है, गंगा को कहाँ मिलती है, सरस्वती कहाँ है, सिंधु, नर्मदा, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से गोदावरी, गोदावरी गंगा के बाद सबसे लंबी नदी है और सबसे विशाल नदी भी। लंबाई में लगभग 1450 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई है। बहुत लंबी नदी है और चौड़ाई भी कभी कभी 4 किलोमीटर तक है। यहाँ भी हम देख सकते हैं चौड़ाई कितनी ज़्यादा है गोदावरी नदी की। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम है नासिक के पास में, वहाँ पे पश्चिम घाट में नासिक है, पंचवटी के पास। और नासिक के और ऊपरी इलाकों में एक पर्वत है ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी पर्वत के ही इलाके में कुशावर्त नाम के स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो पश्चिमी घाट से लेकर पूर्व घाट से ये नदी बहती है, थोड़ी बहुत दक्षिण पूर्व की दिशा में बहते हुए फिर यह आके समुद्र से मिलती है। बस नदियों को बहते हुए, हम नदी के तट पे बैठें और नदी को बहते हुए देखें, घंटों घंटों तक बैठ सकते हैं आप। साथ में माला लेके बैठ जाइए और नदियाँ कैसे कितनी सुंदर रूप से बह रही हैं ये देखते रहें, कैसे ये चमत्कार है भगवान ने किया हुआ। तो जब गोदावरी बहती है तो अनेक नदियाँ आके मिलती हैं उनसे। यहाँ तक यहाँ पर आके राजमंड्री के बाद में आके फिर वो उनकी शाखाएं, गोदावरी नदी की शाखाएं होती हैं। जो नदियाँ मिलती हैं गोदावरी से वो है पूर्णा, इंद्रावती, शबरी और प्रणहिता।
ये गोदावरी के बाएं ओर से आके नदियां गोदावरी से मिलती हैं, जुड़ जाती हैं, और दाहिने ओर से है प्रवर, मंजिर और मनेर, और फिर यह राजहमंडरी में जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे आके फिर इनकी चार धाराएं होती हैं। वैसे दो धाराएं, एक को कहते हैं वृद्ध गौतमी या गौतमी गोदावरी और दूसरे है वशिष्ठ गोदावरी। और गौतमी गोदावरी के फिर और दो भाग हो जाते हैं, गौतमी और नीलवेणु, और दूसरी ओर वशिष्ठ गोदावरी के भी दो भाग हो जाते हैं, वशिष्ठ और वैनतेय। वैनतेय अर्थात गरुड़ जी, गरुड़ जी के पीछे वो नाम है। तो ये चार धाराएं फिर आगे चल के समुद्र में अलग अलग स्थानों पे मिल जाती हैं। बहुत सारे तीर्थ स्थान इनके तट पे है, शुरुआत से लेकर, नासिक से लेकर अंत तक। नासिक तो पंचवटी है, वो वही स्थान है जहाँ शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के पास आई थी, और जिस स्थान पे शूर्पणखा का नाक गिर पड़ा जब लक्ष्मण ने नाक काट दिया था, वो नासिक है। नासिक कट गया, वहाँ पे गिरा, तो वहाँ पे काफ़ी समय के लिए श्री राम सीता लक्ष्मण रहा करते थे गोदावरी के तट पे। और आगे चल के अलग 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 स्थानों में बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। फिर यहाँ पर भी इस स्थान में चैतन्य चरितामृत में हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे महाप्रभु गोदावरी के तट पे आए, यहाँ पर लगभग इसी जगह जहाँ पे ये शहर है राजमंडरी। फिर यहाँ से नदी पार करके कोवूर गए, रामानंद राय से वार्तालाप आदि किया। तो इसके बाद फिर वो और दक्षिण की ओर गए, बहुत सारे तीर्थ स्थानों में गए, तिरुपति गए, अहोबलम गए, श्री शैल गए, कालहस्ती गए, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरल होते हुए अनंत पद्मनाभ मंदिर इत्यादि, फिर उड़ुपी होकर उत्तर की ओर धीरे 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 चलते गए, गोकर्ण भी गए, फिर पंढरपुर में आए, और पंढरपुर से आगे फिर नासिक भी पहुँचे वो, और वहाँ पे ब्रह्मगिरी के पास ये ज्योतिर्लिंग है ना नासिक में, सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, तो गोदावरी का उद्गम वहीं पास में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है त्र्यंबकेश्वर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ भी गए थे, तो इसका वर्णन कविराज गोस्वामी यहाँ करते हैं। गौतमी गंगा की बात भी करते हैं, वहाँ जाके फिर वापस आ गए महाप्रभु। नासिके त्रयंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी, कुशावर्ते आइला जहाँ जन्मिला गोदावरी। नासिके त्रयंबक देखी, नासिक में महाप्रभु ने त्रयंबकेश्वर तीर्थ स्थान देखा, और फिर चले गए ब्रह्मगिरी, कुशावर्त। ब्रह्मगिरी में कुशावर्त नाम का स्थान है जहाँ गोदावरी का जन्म हुआ, ऐसे कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु वहां भी गए थे। सप्त गोदावरी आयला कोरी तीर्थ बहुतर, पुनरपि आयला प्रभु विद्यानगर। फिर सप्त गोदावरी नाम के स्थान में भी उन्होंने भ्रमण किया, अन्य तीर्थ स्थानों में भी गए, और फिर से विद्यानगर लौट के आ गए। विद्यानगर अर्थात कोवूर। जब महाप्रभु यहां पर आए गोदावरी के उस तट में, रामानंद राय रहते थे विद्यानगर में, वो उनकी राजधानी थी। तो महाप्रभु सारे घूमकर नासिक तक गए और आगे भी, और फिर लौटे, फिर से यहीं आए दूसरी बार, फिर यहाँ से वापस चले गए। तो यहाँ उल्लेख आता है कि
महाप्रभु गोदावरी के तट से भी काफ़ी भ्रमण करके यहाँ आए, क्योंकि पंडरपुर फिर आगे नांदेड़ वगैरह है, गोदावरी नांदेड़ को भी स्पर्श करके आती है महाराष्ट्र में, कई प्रांतों से गुजर के आती है कर्नाटक, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र, कर्नाटक, बहुत सारे प्रांतों से होके आती है। थोड़ा बहुत भूगोल याद करिएगा, आपके बच्चों के किताबों में देखिए, थोड़ा कुछ याद कीजिए, बच्चों को ये सब बतानी चाहिए कहानियाँ, जैसे हम बता रहे थे कि क्या क्या इतिहास है इनका। तो खैर, यहाँ पे गोदावरी के नासिक में कुंभ मेला वगैरह सब होता है। महाभारत में और पुराणों में, रामायण में गोदावरी का उल्लेख होता है। रामायण में बताया जाता है कि राम, लक्ष्मण, सीता लंबे समय तक पंचवटी में गोदावरी के तट पर रहे, और महाभारत में कहा जाता है भीष्म पर्व में कि गोदावरी भारतवर्ष के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अनुशासन पर्व है जिसमें बताया जाता है, एक रहस्य आपको बताऊं, कि जो इस नदी में स्नान करेगा वो उसको समृद्धि प्राप्त होगी, धनवान बन जाएगा। और वन पर्व में भी ऐसे ही कहा गया है कि जो गोदावरी की पूजा करते हैं वो समृद्धशील हो जाते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि गोदावरी की पूजा करते हैं। और एक जगह वन पर्व में कहा गया है कि जो व्यक्ति गोदावरी में स्नान करता है उसे गोमेध यज्ञ संपन्न करने का लाभ मिलता है, और मृत्यु के बाद वो वासुकी के धाम में जाता है, जहाँ भी वो है वो धाम है। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं भी हो, ऐसे स्नान करता है तो उसे पुण्य इस तरह का लाभ होता है। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भक्ति भाव से ऐसी नदी में स्नान करते हैं, तो कितना लाभ उनको मिलता होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसका एक प्राचीन इतिहास है जो गौतम ऋषि और अहल्या से संबंधित है। गौतम ऋषि और अहल्या का नाम आपने कहाँ सुना है? रामायण में श्री राम ने अहल्या का उद्धार किया था। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था अपने पत्नी को कि तुम पत्थर बन जाओगी, परंतु जब क्षमा याचना की अहल्या ने, तो उस समय गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र आएंगे और उनके चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये तो कथा हम सब बचपन से सुनते आए हैं, तो इसका इतिहास क्या है? तो ये इसके लिए हमें ब्रह्म पुराण और नारद पुराण की कथा सुननी होगी। तो ब्रह्म पुराण में ये वर्णन है कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से सीखते हैं कि गंगा के दो रूप हैं, एक है गौतमी गंगा और दूसरे हैं भागीरथी गंगा। तो जो गंगा गंगा के नाम से विख्यात है, जो उत्तर भारत में बहती है, हिमालय से आकर बहते हुए फिर समुद्र को जुड़ जाती है। कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, कृपया बंद कीजिए, यहाँ भी अभी फ़ोन है। तो वो है भागीरथी गंगा। तो भगीरथ महाराज कैसे सफल हुए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, ये भी अवश्य ही आप कई बार सुन चुके होंगे। कई पीढ़ियों से वो प्रयास चल रहा था, महाराज सगर, फिर अंशुमान, फिर महाराज दिलीप, फिर और भगीरथ, आखिर भगीरथ सफल हो गए। तो गंगा उनके पीछे 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 चलती रही और भगीरथ महाराज उनको गंगा सागर तक ले गए। आज जिस स्थान को गंगा सागर कहते हैं, जो बंगाल में है। तो ये है भागीरथी गंगा। तो ये गौतमी गंगा कौन सी है? जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गंगा किस तरह से शिव जी के जटाओं से पृथ्वी लोक पर उतर के आई, तो
तो इस संदर्भ में ये इन दोनों गंगाओं का वर्णन है। तो एक भागीरथी गंगा और दूसरी जो गौतमी गंगा है वो है गोदावरी। तो अभी हम ब्रह्म पुराण और नारद पुराण की कथाओं को मिलाकर कहेंगे। तो एक बार ऐसे हुआ कि ब्रह्मा जी एक विशाल यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे और प्रयाग में आए, आज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है शहर। तो यज्ञ स्थली में जब खुदाई की जा रही थी हल के द्वारा, तो अचानक हल ने किसी एक लोहे के पेटी से स्पर्श किया, तो सभी लोग वहाँ आश्चर्यचकित हो गए कि इस पेटी के अंदर क्या है। जब उस पेटी को बाहर निकाला गया और खोला गया तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और वो इतनी सुंदर थी कि सारे देवता उसे विवाह करना चाहते थे। उसका नाम रखा गया, ब्रह्मा जी ने रखा अहल्या। हल्या और अ, हल हल अर्थात हल जानते हैं, हल्या मतलब जो हल जिसमें किया हुआ है, जुती हुई जमीन है, या जिस हल्या अर्थात जो कुरूप है या जिसमें कोई दोष है, अहल्या मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं है। दूसरे शब्दों में अहल्या का अर्थ है जो बहुत ही सुंदर है, कोई भी दोष नहीं दिखाई देते हमने। अभी यहाँ जितने भी सुंदर कोई व्यक्ति क्यों ना कहीं कुछ तो दोष होगा, नाक में कुछ होगा, कान में कुछ होगा, है ना, दांत में कुछ होगा, कहीं तो कुछ ना कुछ दोष होगा। परंतु इस सुंदर महिला के शरीर में कोई भी दोष कहीं भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने नाम रखा अहल्या। लेकिन ब्रह्मा जी के सामने अब यह समस्या खड़ी हो गई कि सारे देवतागण अहल्या से विवाह करना चाहते थे, तो अब क्या किया जाए, कौन विवाह करेगा अहल्या से, इसका चयन करना था। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, अभी कोई स्पर्धा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भू प्रदक्षिणा सबसे जल्दी करके लौटेंगे वो इस कन्या से विवाह कर पाएंगे। मतलब सारे पृथ्वी को घूम के आना है, भू प्रदक्षिणा, भूलोक की प्रदक्षिणा। तो सारे देवता गण और बहुत से थे, ऋषि मुनिगण भी थे, वो सब निकल पड़े तेजी से अपने अपने रास्ते से प्रदक्षिणा करने के लिए। सभी लोग आतुर थे अहल्या से विवाह करने के लिए। उनमें से एक ऋषि भी थे जिनका नाम था गौतम। अब ये गौतम ऋषि, इनकी आयु भी का कुछ हो गई थी और इतने हृष्ट पुष्ट भी नहीं थे, तो वो भी चल पड़े। अब वो देख रहे थे कि हम तो जा रहे हैं धीरे धीरे, ये सारे लोग तेजी से आगे बढ़ के जा रहे हैं, ये तो बहुत पहले ही पहुंच जाएंगे और उनको अहल्या से विवाह करने का अवसर मिल जाएगा। तो वो तो पीछे रह गए, पीछे रह गए। धीरे धीरे चलते चलते अचानक उन्होंने रास्ते में देखा कि एक कपिला गाय है और ये कपिला गाय एक बछड़े को जन्म दे रही है। बछड़े को जन्म देते समय वहां से गौतम ऋषि गुजर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने उस गाय की प्रदक्षिणा की 3 बार। और ऐसे बताया जाता है कि जब कोई गाय एक बछड़े को जन्म दे रही होती है और उस समय यदि गाय की प्रदक्षिणा हम करें तो यह भू प्रदक्षिणा के बराबर है। तो गौतम ऋषि ने जल्दी से भू प्रदक्षिणा कर दी, गो प्रदक्षिणा कर दी और लौट के आ गए जल्दी से। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए, उसी दिशा से आए जहां से सब लोग निकल पड़े थे, उल्टी दिशा से आना चाहिए था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि शायद ये कुछ थक गए होंगे या नहीं कर पाए, उन्होंने छोड़ दिया होगा, आशा छोड़ दिए अहल्या से विवाह करने की। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा मेरी भू प्रदक्षिणा समाप्त हो गई,
तो ब्रह्मा जी ने बात सुनी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। फिर दोबारा उन्होंने कहा, काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि मैंने भू प्रदक्षिणा कर ली है। तो उस समय ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। उस समय एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कपिला गाय की प्रदक्षिणा की जो कि एक बछड़े को जन्म दे रही थी, और ये शास्त्रों के हिसाब से भू प्रदक्षिणा के बिल्कुल बराबर है। अब ये प्रमाण आ गया ब्रह्मा जी के सामने, तो गौतम ऋषि ने कहा तो विवाह करा दीजिए, आप तो सबसे पहले सबसे वरिष्ठ पुजारी और पंडित तो ब्राह्मण हैं सारे ब्रह्मांड के। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कर दिया। अब ये सारे देवतागण, ये वो ऋषिगण घूम घूम के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं अहल्या से विवाह करने के लिए। दौड़ते हाँ वो आ गए। आजकल तो केवल क्या 500 मीटर 1000 मीटर की दौड़ होती है, वो 26 मील वाले भी दौड़ होती है, लेकिन किसी न किसी तरह से वो प्राय मृत अवस्था तक पहुंच जाते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई नहीं कहता कि सारे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके दौड़ लगा के आ जाओ, वो उस जमाने में संभव था सबके लिए। तो जब तक ये सारे लोग आ गए वापस, आके क्या देखते हैं कि अरे इनकी शादी भी हो गई, ये कैसे हो सकता है। तो बहुत क्रोधित हो गए सभी लोग, नहीं 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 हमारे प्रति अन्याय हुआ है, धोखेबाजी आपने की है, छल हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि नहीं देखो बात ऐसी है। फिर मानने के लिए तैयार नहीं थे तो उधर ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शिव जी का आश्रय ले लो। शिव जी के पास गए, शिव जी से कहा कि मुझे, शिव जी उस समय उसी स्थान में थे, ब्रह्मगिरी पर्वत में थे, उनके आश्रम में थे। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आश्रय रहने के लिए कोई स्थान दीजिए मेरे पत्नी के साथ। तो उनको ब्रह्मगिरी पर्वत के पास में कहीं शिव जी ने एक स्थान दे दिया। तो गौतम ऋषि अहल्या देवी के पास के साथ में वहाँ रहने लगे। अब ये बात स्पष्ट कुछ नहीं पता चल रहा है कि कब गौतम ऋषि और अहल्या देवी वहाँ से यहाँ इस प्रांत में चले आए। तो इस प्रांत में यहाँ गोदावरी के तट पे वो चले आए और यहाँ काफ़ी समय तक निवास करने लगे। उधर गंगा जी शिव जी के जटाओं में थीं, तो गंगा जी शिव जी का काफ़ी संग कर रही थी, क्योंकि ऊपर थी पास में ही, तो बातचीत वगैरह काफ़ी हो रही थी। तो पार्वती देवी को अच्छा नहीं लगा, ये क्या मेरे पति के साथ ही ऐसी बातचीत करती है, बहुत ज़्यादा बात कर रही है, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि देखो ऐसे ऐसे है, अभी क्या किया जाए। गणेश जी ने कहा मैं मेरे पिताजी के जटाएं ही काट देता हूँ, जटा कट जाएंगे तो फिर गंगा जी भी नहीं रहेंगी, सब ठीक है। नहीं 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 ऐसे नहीं करना, शिव जी को अपने जटाएं बहुत प्रिय हैं, और जटा काट डालोगे तो उनका क्रोध ऐसे भयंकर हो जाएगा कि हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे कोई दूसरा उपाय निकालना चाहिए। तो गणेश जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, सोचने लगे क्या किया जाए। फिर उन्होंने वरुण देव की सहायता ली और एक युक्ति उन्होंने सोची कि ऐसे करना चाहिए, वहाँ गौतम ऋषि हैं, उनको हमारे इस लीला में शामिल करते हैं। हालांकि गौतम ऋषि को पता नहीं कि ये सब हो रहा है पीछे, कि वो भी इस दिव्य लीला में कोई एक भागीदार हो रहे हैं, उनको कोई पता नहीं था, ये गणेश जी सब षड्यंत्र कर रहे हैं। तो फिर ऐसे हुआ, गणेश जी ने अपने शक्ति से एक अकाल कर दिया, तो सूखा पड़ गया यहाँ पे, और इस तरह से सूखा पड़ गया कि कहीं भी कोई भोजन उपलब्ध नहीं था, खेती नहीं हो रही थी, कोई अनाज नहीं था,
और फल नहीं मिल रहे थे कहीं भी, केवल गौतम ऋषि के आश्रम में मिल रहे थे बस। तो इसलिए सारे लोग गौतम ऋषि के आश्रम में आने लगे और गौतम ऋषि बिल्कुल व्यस्त रहे, केवल बीज बोने में और फसल काटने में, और ये बार बार करते रहे ताकि सबको भोजन मिलता रहे। सारे लोग एक के बाद एक वहाँ आते रहे क्योंकि यहीं इसी इलाके में केवल हरियाली थी, यहाँ पे खेती हो रही थी। तो अब गणेश जी ने अपने षड्यंत्र का दूसरा कदम आगे रखा। पहला कदम तो ये हो गया, अब दूसरा कदम ये था, उन्होंने एक गाय को वहाँ भेजा। जब गाय आके चरने लगी वहाँ और सारे खेती में सब कुछ जो उसको खाने लगी, तो उनको भगाना था, लेकिन गौतम ऋषि ने सोचा कि मार के तो नहीं भगाया जा सकता, ये तो गोमाता है, फिर भी सब कुछ खा लेगी तो सारे लोग भूखे रह जाएंगे। तो थोड़ा कुछ घास लिया उन्होंने, कहीं कहा जाता है दर्भ घास, और उसे हल्के से ऐसे उनके शरीर पे डाल ऐसे किया ताकि वो चले जाए वहाँ से। लेकिन हुआ ये, जैसे ही कुछ घास का स्पर्श हुआ उस गाय से, वो गाय उसी जगह में गिर के मर गई। अब ये गोहत्या हो गया, गोहत्या तो बहुत खतरनाक होता है। तो जितने भी ऋषि मुनि ये वो और से लोग आते थे, उन्होंने कहा कि हम तो आपके आश्रम में नहीं आ सकते क्योंकि आपने तो गोहत्या की है। जब गोहत्या की है तो ऐसे पाप के स्थान में हम आके भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो सब दूर चले गए। अब गौतम ऋषि सोचने लगे, ये क्या मुसीबत हो गई, हमने ऐसे जोर से प्रहार तो नहीं किया था, ऐसे कुछ घास से स्पर्श किया था, मरना तो नहीं चाहिए था इस गाय को, परंतु क्या करें ऐसे हो गया। तो उस समय गणेश जी वहाँ आए एक ऋषि के रूप में, गणेश ऋषि। तो उनको देखा तो गौतम ऋषि ने कहा, देखो क्या समस्या है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, इसके लिए एक ही उपाय है, उपाय ये है कि आप शिव जी को प्रसन्न करो, जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब गंगा यहाँ पे बहेंगी तब आपके पाप सब धुल जाएंगे, गोहत्या का पाप के पाप से भी आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जब तक आप गंगा में स्नान नहीं करोगे तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। और गंगा है अभी शिव जी के जटाओं में। तो गणेश जी की षड्यंत्र को देखिए, वो चाहते थे कि गंगा जी आए ताकि माता पार्वती शांत रहे, उनमें कोई समस्या ना हो। ये सब लीलाएं हैं, देखिए इनको साधारण नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो फिर अभी तपस्या करने लगे गौतम ऋषि और शिव जी प्रसन्न हुए। बहुत लंबे समय तक, ऐसे बताया जाता है पुराणों में कि 88,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने पूछा कि मैं क्या वरदान दे सकता हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गंगा में स्नान करना है, गंगा के जल में, तो कृपया गंगा जल को आप मुक्त कर दीजिए ताकि वो यहाँ आए। तो शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने गंगा देवी से कहा कि चलो जाओ नीचे। तो गंगा जी भी शिव जी का संग नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए ताकि इनकी तपस्या भंग हो जाए। ये शिव जी जब प्रकट हुए गौतम ऋषि के सामने, इसके थोड़े पहले की बात है, तो सबसे पहले तरह तरह से उनके तपस्या भंग करने के लिए कोशिश की, अप्सराओं को भेजा, यहाँ वहाँ बहुत कुछ किया। फिर अपनी एक सहेली थी जटिका, उसे भी भेजा। जटिका ने वेश बदल लिया और अहल्या का रूप धारण किया और उनके तपस्या भंग करने के लिए आ गए। तब गौतम ऋषि ने सोचा कि मेरी पत्नी तो ऐसा नहीं कर सकती है, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, तो कुछ गड़बड़ है। तो वो समझ गए अंततः कि क्या है, और
कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनकी चेतना में, नहीं उनकी तपस्या में। तो अंततः जब इस तरह से तपस्या उनकी चलती रही, शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने फिर अपने, हालांकि गंगा देवी नहीं आना चाहती थी, शिव जी ने अपनी जटाओं को पकड़ के ऐसे लताड़ा ब्रह्मगिरी पे, वहाँ पे उस पहाड़ के ऊपर, और जैसे अपने जटाओं को खोल के ऐसे लताड़ा तो गंगा जी भी वहाँ पे आ गई और बहने लगी। अब गंगा जी तो बहने लगी, शिव जी प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए और सारे देवगण भी बहुत प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे गौतम ऋषि की, कि गौतम ऋषि के कारण गंगा अभी यहाँ पे बह रही हैं, ये दक्षिण गंगा है, गौतमी गंगा है, बह रही है पृथ्वी लोक के ऊपर। गौतम ऋषि भी बहुत संतुष्ट हुए, गणेश और माता पार्वती भी बहुत संतुष्ट थे, अभी समस्या का समाधान हो गया। परंतु गौतम ऋषि के हृदय में थोड़ी बेचैनी थी, उन्होंने देखा कि जैसे ही शिव जी चले गए गंगा जी भी चली गई, क्योंकि वो भी शिव जी के बिना नहीं रह सकती थी, तो शिव जी के पास लौट के चली गई। तो फिर से गौतम ऋषि ने तपस्या करना शुरू कर दिया और फिर से वो प्रसन्न हो गई गंगा देवी, और गंगा देवी ब्रह्मगिरी के और एक दूसरे भाग में आ गई जिसका नाम है गंगा द्वार। परंतु वहाँ एक असुर आया जिसका नाम था कोल्हासुर, इसने गंगा को निगलने का प्रयास किया। तो गौतम ऋषि ने माता पार्वती से निवेदन किया, प्रार्थना किया, अम्बा माता के रूप में आके उन्होंने इस असुर का वध कर दिया, कोल्हासुर का। और उस समय गंगा देवी ने निवेदन किया गौतम ऋषि से कि आप मेरे जल में स्नान करना। तो हिचकिचाए गौतम ऋषि, सोचने लगे कि गंगा जी का जल इतना पावन है, मेरे पैर में कैसे उस पानी में रखूं, ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे विचार करते करते जब थोड़े क्षण बीत गए तो गंगा जी को अच्छा नहीं लगा कि मैं कह रही हूं कि मेरे जल में स्नान करो और ये ऋषि स्नान करने के लिए तैयार नहीं हैं, हिचकिचा रहे हैं। फिर से वो अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो इस बार फिर से उनको ढूंढने के लिए गौतम ऋषि गए और वहीं ब्रह्मगिरी के पास में ही कहीं और एक बार गंगा जी को ढूंढ निकाला। इस बार गंगा जी जब आई तो वहाँ वो एक कुंड बनी जिसका नाम है कुशावर्त, जिसका उल्लेख चैतन्यचरितामृत में हमने पढ़ा भी। तो एक छोटा कुंड है, गंगा वहीं पे आके अपने आप को प्रकट करने लगी। और इस समय गौतम ऋषि ने कहा, इस बार आप अदृश्य हो जाओगे, मैं शाप दूंगा आपको। तो फिर गंगा जी भी घबरा गई, वहाँ से गई नहीं। तो इस तरह से वहाँ से फिर उन्होंने वो गंगा जल लिया, वो गंगा जल बहने लग गई, बहते 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 इस प्रांत में भी आ गई। और फिर यहाँ जो गाय थी जो मर गई थी उसके ऊपर जल छिड़का गंगा जी का, जैसे ही जल छिड़का तो वो गाय जीवित हो गई। तो इसलिए नाम पड़ा नदी का गोदावरी, जिसके कारण गाय पुनः जीवित हो गई। या कोई ऐसे भी कहते हैं कि जिनकी उत्पत्ति एक गाय के हत्या के कारण हुई, तो इसलिए नाम पड़ गया गोदावरी। तो जिस स्थान में हम गए थे आज सुबह रामानंद गौड़ीय मठ में, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद हुआ था, उस स्थान को कोवूर कहते हैं। परंतु ये अपभ्रंश है गोवूर का, गोवूर मतलब ये गाय है, तो गोवूर से हो गया कोवूर, ये गाय से संबंधित है। तो गोदावरी हो, कोवूर हो, तो इस तरह से यहाँ गोदावरी भी बहने लगी और यहाँ तक आके समुद्र में भी मिल गई। तो ये है संक्षेप में गोदावरी नदी का इतिहास शास्त्रों के, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण से। तो आज शाम को हम लोग बैठेंगे गोदावरी के तट पे।
ठीक है, जहाँ पे आज सुबह हम गए थे, सुबह की कक्षा के बाद हमने आचमन आदि किया था मंदिर के पीछे वाले द्वार से, वहाँ जाएंगे। तो शाम को आप आइए, हम सब वहाँ बैठेंगे और वहाँ कथा और कीर्तन करेंगे। वहाँ सुंदर घाट है और उस घाट में बैठ के हम चर्चा करेंगे, माता गोदावरी का दर्शन करते हुए बैठेंगे। अच्छा प्रस्ताव है। आप में से कोई ऐसे स्थान में रहते हो जो कि नदी के तट पे है? कहाँ रहते हो? सतलज में? अच्छा, और अयोध्या में? वाह, सरयू नदी, सरयू नदी में, ठीक है, तो बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ देखिए कितना अच्छा लगता है नदी के तट में, वो भी पावन नदी के तट में बैठना। वैसे हमारी इच्छा ये थी, पहले विचार ये था कि हम लोग भद्राचलम नाम के स्थान में जाएंगे। वो अयोध्या के बाद सबसे प्रसिद्ध राम मंदिर है भारत का, और उसका भी प्राचीन इतिहास है, बहुत ही सुंदर इतिहास है। ऐसे शायद चैतन्य महाप्रभु तो वहाँ नहीं गए थे, चैतन्य चरितामृत में भद्राचलम नाम के स्थान का उल्लेख नहीं होता है। फिर भी हम विचार ये कर रहे थे कि जब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना और थोड़ी देर दूर जाकर भद्राचलम भी दर्शन करके आएँ। परंतु हुआ ये कि यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है, 4-5 घंटे लग जाएंगे एक तरफ जाने के लिए, 4-5 घंटे आने के लिए, एक दिन में सब करना है, 3 घंटे वहाँ, तो सबको बहुत थकावट होगी और इतने सफ़र कर कर के, इसलिए हमने सोचा कि फिर नहीं जाएंगे। परंतु आज शाम को जब गोदावरी के तट पे बैठेंगे तो भद्राचलम की कथा करेंगे। वैसे ये भी विचार हमने किया था कि यहाँ से राजमंड्री से नौके में बैठकर हम भद्राचलम जाएं, और रात को यदि यहाँ बैठें तो सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे 10 घंटे में। परंतु रात को जहाज़ यहाँ चलाना मना है सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए वो संभव नहीं हुआ। और इतना बड़ा जहाज़ कोई है नहीं जो 500 लोगों को एक साथ ले जाए, इसलिए फिर वो रद्द करना पड़ा, वो फिर वो अभी नहीं जा पाएंगे हम। फिर भी वहाँ का स्थान इतना महत्वपूर्ण है, कथा भी इतनी सुंदर है कि हमने सोचा ज़रूर वो भी गोदावरी के तट पे ही है, इसलिए आज शाम को हम भद्राचलम की कथा करेंगे। और हो सके तो, संभव हो तो, भक्त लोग देख रहे हैं, यदि कल शाम को नौके में बैठ के सब गोदावरी में सैर करके आए आप सब, हाँ। लेकिन इतने बड़े नौके नहीं हैं यहाँ पे, तो 25-50 लोग एक नौके में, तो देखेंगे कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या है। आप में से जो तैरना नहीं जानते, अभी एक दिन है, सीख लीजिए। जो भी हो, खैर, यदि हम नहीं भी जा पाए, कम से कम दर्शन तो करेंगे और आचमन तो करेंगे और गोदावरी के तट में बैठ के कथा और कीर्तन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा। अभी अभी करें, और अभी समय है प्रसाद के लिए, फिर वापस आना है ना शाम सबको। ठीक है, कीर्तन करेंगे थोड़ी देर के लिए।